जून माह में तपती धूप से मचा शहरी क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार। नगर परिषद वासियों ने किया उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर पानी पूर्ति करने की अपील। कहा, नगर परिषद में टैंकर कम होने के कारण नहीं हो पा रहा है पानी वितरण, पाइपलाइन से भी नहीं हो रहा पानी उपलब्ध। गढ़वा जिला मुख्यालय में जून माह के तपती धूप के कारण पानी के स्रोत नीचे चले गए हैं, जिसके कारण कई घरों में चापाकल एवं बोरिंग सूख जाने के कारण पानी के लिए हाहाकार मच गया है। नगर परिषद के द्वारा पानी वितरण तो कराया जा रहा है, किंतु टैंकर कम होने के कारण सभी 21 वार्डों में पानी का वितरण सही समय पर नहीं हो पा रहा है। कम पानी वितरण होने के कारण लोग आपस में पानी लेने के लिए झगड़ा भी कर रहे हैं और मजबूरन टैंकर को वहां से भागना पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं से अवगत कराने के लिए नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 15, 16 व 17 के महिला पुरुषों ने भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष उमेश कश्यप एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र कश्यप के साथ जिला मुख्यालय पहुंच उपायुक्त को इन सारी समस्याओं से अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई करने की मांग कर ज्ञापन सौंपा। मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप ने कहा कि गढ़वा जिले में सरस्वती नदी व दानरो नदी में समय से पहले पानी सूख जाने के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं पाइपलाइन का विस्तार होने के बाद भी लोगों को नल का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि तेज गर्मी के दिन में बिजली की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को सही से बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण पानी नहीं मिल रहा है और लोगों को अपने व्यवसाय करने दुकान जाने के लिए भी लेट कुबेर का सामना करना पड़ रहा है। रात्रि में सोने के लिए परेशानी हो रही है। इन सारी समस्याओं को जल्द ही निवारण कर लोगों को पानी उपलब्ध कराएं, गढ़वा जिला प्रशासन ये मांग करता है। जबकि वहीं सुरेंद्र कश्यप ने कहा कि इतना बड़ा नगर परिषद का क्षेत्र है, यहाँ पूरे 21 वार्ड में पानी वितरण करने के लिए 20 टैंकर लगभग होने ही चाहिए, जो कि नहीं है। टैंकर कम होने के कारण भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इन समस्याओं से अवगत होने के बाद जब अधिकारी से इन विषय पर बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि पानी का वितरण हो रहा है, टैंकर हमारे पास उपलब्ध हैं, किंतु हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नगर परिषद के द्वारा इस भीषण भरी गर्मी में मात्र 5 से 6 टैंकर से ही पानी का वितरण कराया जा रहा है, जो कि लोगों को सही समय पर पानी नहीं मिल रहा है। मौके पर विनोद सोनी, छोटन सोनी, सोनू प्रसाद, मनीष कश्यप, उपेंद्र हलवाई, राजन सोनी, डिंपल सिंदुरिया, राजू राम, देवंती देवी, हृदया देवी, सविता देवी, सुनीता देवी, कुसुम देवी आदि 40 से 50 की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। हम नगर परिषद के द्वारा टैक्स मुहैया है, टैक्स दिला रहे हैं, आज नगर परिषद के द्वारा बोरिंग कराने के नाम पर पैसा लिया रहे हैं, हम हर तरह से शुल्क देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पर्याप्त मात्रा में सुविधा चाहिए। आज संगत मोहल्ला 3 वार्ड जो है शहर का, 1/3 हिस्सा, 1 आबादी जो पूरे हिस्सा है, 15, 16, 17 वार्ड पूरी तरह से ड्राई जोन हो चुका है। आज 500 फीट बोरिंग कराई, बोरिंग उपलब्ध पानी नहीं मिलने पा रहा है। हम लोग सरकार पर निश्चित आश्रित हैं। सरकार जो यह रवैया अपनाई हुई है, अभी हमारे स्थानीय विधायक यहाँ पर पेयजल मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से भी कि इसको तत्काल अपने में संज्ञान लेकर और जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय संज्ञान लेकर अभिलन अपने यहाँ से जांच कराकर उसको उचित मानदंड और सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराने का कृपा करें। माँ गायत्री गारमेंट्स मल्टी ब्रांडेड शोरूम, सभी प्रकार के जींस, शर्ट, बाबा सूट, कोट, पैंट, शेरवानी, लेडीज कुर्ती, प्लाजो, फैंसी गाउन सूट, क्रॉप टॉप एवं फैंसी मिडी का अनुपम संग्रह आर गुप्ता के सामने गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।